नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। चर्चा के विषय में आज बात करेंगे पिछले दिनों हुई गायों की मौतों के बारे में। जी हाँ, पिछले कुछ दिन पहले जो गायों की मौतों का मामला सामने आया था उस पर अब राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है गायों की मौतों पर, और वहीं बीजेपी का क्या कुछ कहना है, इसी के चलते फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से दुर्गेश केसवानी जी और कांग्रेस से पीसी शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कांग्रेस से पीसी शर्मा जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आज कांग्रेस ने जो है गायों की मौतों को लेकर अपना विरोध जताया है, तो आखिर क्या मानना है कांग्रेस का इन गायों की मौतों के पीछे? और हजारों की तादाद में परिवार की संस्था उन्होंने चूने का पानी वगैरह भी इनकी जान की भी हत्या है। गवर्नर साहब के नाम से आज ज्ञापन दिया है की पूरे मामले की सीबीआई की जाँच हो और सिटिंग हाईकोर्ट जज की निगरानी और जो समर्थन बोर्ड है और दूसरा यहाँ पर हमने देखा है यहाँ एसडीएम को भी ज्ञापन दिया। यहाँ भी लोगों ने आज एक पूरा जुलूस निकाल के पूरे शहर में घूमे यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता का ज्ञापन देखा कि जो लोग हैं दोषी उसके बाद सीधे एक्शन होकर इनको सीधा जेल भेज रहे हैं। अभी भी वहाँ पे गड्ढे खोद के प्रशासन ने भी इसमें मदद की और गड्ढों में गौ माता को वहाँ लोगों ने गड्ढों के अंदर बगैर किसी काल किया है रोज है समय आज समर्थन बोर्ड का हमने घेराव किया था और ये हमारी मांग है और इनका जो चारे का वो होता है वो भी बढ़ाया जाए। भोपाल नगर निगम में 9,000 से ज्यादा गौ माताओं की जान गई है, एक साथ कोई देखने वाला नहीं है। यही दतिया में हुआ, यही मुरैना में हुआ, आगर में हुआ, ये सब जो है ये लोग हिंदू धर्म को माफ करते हैं चुनाव के लिए वोट के लिए, लेकिन उनकी जो सेवा के मामले में उन्होंने पूरी तरह से अनदेखी की है और गवर्नर जी की सरकार की तो 1.07 रुपए की जगह 20 रुपए चारे का देने की स्वीकृति बाद में उन्होंने सरकार आई स्थिति में कम कर दिया और मांग करती कांग्रेस की 40-50 रुपए पर गौ माता किया जाना चाहिए जिससे इनकी रक्षा हो सके। जितने भी बिजली के कनेक्शन है फ्री होना चाहिए और बिजली के बिल भी माफ होना चाहिए। जी जी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अब मैं बात करना चाहूंगी दुर्गेश केसवानी जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज पर। जानना चाहूंगी आपसे जिस तरह से आज कांग्रेस ने जो है विरोध प्रदर्शन किया है पिछले दिनों हुई गायों की मौतों पर, और कहीं ना कहीं सरकार पर एक सवालिया निशान भी खड़ा किया है जिस तरह से इन गायों की लगातार इतनी गायों की मौतें हुई है, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस सदैव से ही राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आतुर रहती है। वो किसी को हर चीज को मुद्दा बना के जनता के बीच लेके जाना चाहती है, पर जनता इसको अच्छा नहीं मानती। जो राजनीतिक इश्यू हो उनको लेकर आप जाइए, जनता की समस्या को लेके जाइए, जनता के दुख को, जनता अगर कहीं तकलीफ में है, अगर कहीं दर्द में है तो उसकी बात करिए। पर कांग्रेस उसके विपरीत सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे मुद्दे ढूंढती रहती है जिनपे राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। कमलनाथ जी मुझको यह बताएं कि जब वो मुख्यमंत्री के वक्त से बदलाव की बात कर रहे थे और 15 महीने के शासन काल में वो 27,000 मध्य प्रदेश में गौशालाएं खोलने वाले, एक भी काम 973 वचनों में से उन्होंने पूरा किया क्या? जितनी भी गौशालाएं बनी केंद्र के पैसे से बनी, केंद्र के सहयोग अनुदान से बनी वो गौशालाएं, और उनको वो अपने अपने उसमें श्रेय लेने की दौड़ में लग गए। कमलनाथ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए।
प्रदेश की जनता आपको अच्छा नहीं मानती है। आप काम करिए, काम करके जनता के बीच में जाएंगे तो जनता निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं। वो उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में वो हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए जनता उनको उनको अपना मानती है और अपना देखेंगे कि आप वो बच्चे बच्चियों के मामा है, बहनों के भाई है, इसलिए ये रिश्ते उनके जुड़े हुए हैं। रही बात गौशाला में, गौशाला का जो बेरेजिया में जो वो हुआ वो दुखद है। निश्चित रूप से उसमें तुरंत जांच कमेटी बिठाई गई है, उसमें कलेक्टर साहब ने सब जो भी दोषी है उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। अब कानून अपना काम करेगा, पर जन भावनाओं की जो बात है उनको उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। और हर मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं होता है। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। गायों के साथ हुआ ये हादसा, आखिर गायों की मौतें थी या कोई साजिश, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चा के विषय में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहे MP News के साथ। नमस्कार।